ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि सपा बसपा गठबंधन के टूटने के संकेत मिलने लगे हैं। जी हां, मायावती ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। ये कहा है कि गठबंधन से चुनावों में कोई फायदा नहीं हुआ। बसपा की बैठक में मायावती बोली, बसपा को यादवों का वोट नहीं मिला। ये कहना है मायावती का। तो लोकसभा इलेक्शन से पहले और लोकसभा इलेक्शन के दरमियान जो दोस्ती नजर आती थी, अब उस दोस्ती में कहीं ना कहीं खटास पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि परिणाम अनुकूल नहीं मिले, परिणाम ऐसे नहीं मिले जिनका अंदाजा लगाया जा रहा था सपा और बसपा की तरफ से। अब मायावती लगातार समीक्षा कर रही है, मंथनों का दौर जारी है। और अब मायावती की तरफ से सबसे पहला बयान ये सामने आया है कि गठबंधन से कोई फायदा नहीं हुआ, बसपा को यादवों के वोट नहीं मिले। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सपा बसपा गठबंधन के टूटने के संकेत मिले हैं और पहला संकेत मायावती ने ही दिया है। मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि बसपा को यादवों का वोट नहीं मिला, गठबंधन से चुनावों में कोई भी फायदा नहीं हुआ। हालांकि ये बात अलग है कि इस बार के चुनावों में बसपा की सीटें बढ़ी, लेकिन सपा को नुकसान जरूर हुआ और सपा अपने ही गढ़ में हारी। लेकिन फिर भी मायावती ये कह रही हैं कि यादवों का वोट उन्हें नहीं मिला, यानी जो वोट शेयर की बात की जा रही थी वो नहीं मिला। और इस वक्त हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पंकज, आपसे मैं समझना चाहूंगी, मायावती को ही लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि उनका पहला रिएक्शन क्या होगा गठबंधन को लेकर परिणामों के बाद, और ये पहला रिएक्शन सामने आ गया है, क्या मायने निकाले? देखिए, आज जब अखिलेश यादव आजमगढ़ में भाषण दे रहे थे, उस दौरान दिल्ली में बीएसपी नेताओं की बैठक थी और मायावती ने जो कुछ कहा है वो एसपी बीएसपी गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है। पहले तो उन्होंने ये कह दिया कि 11वें विधानसभा के उपचुनाव पर उनकी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगी। दूसरी बात कही कि समझौते से गठबंधन से कोई बहुत फायदा नहीं हुआ, यादव वोटों में बंटवारा हुआ, शिवपाल यादव ने वोटों का बंटवारा करा दिया और इस वजह से अखिलेश यादव के परिवार के दो लोग हार गए और हमारा भी नुकसान हुआ। ये बहुत बड़ी बात कही है। हो सकता है ये दबाव की रणनीति हो या फिर गठबंधन टूट के कगार पर हो। पंकज, लेकिन इन पूरे चुनावों में एक बात तो देखने को मिली कि फायदा जो हुआ वो बसपा को हुआ और बसपा की सीटें बढ़ी, जबकि सपा तो अपने ही गढ़ में हार गई। जी हाँ, बिल्कुल। पिछली बार तो पीएसपी का खाता भी नहीं खुला, इस बार 10 सांसद जीत लिए गए जबकि समाजवादी पार्टी के पांच ही रहे। लेकिन इसके बावजूद अगर मायावती ये कह रही है तो बहुत सोच समझ के उन्होंने ये बात कही है। उनका ये कहना था कि अगर यादव वोट एक मुश्त मिलते जैसा मुस्लिम वोट मिला तो शायद नतीजे कुछ और होते। तो आगे भविष्य में पंकज, ये समझा जाए कि ये गठबंधन टूट सकता है, क्योंकि कई स्टेट्स में अभी चुनाव भी होने विधानसभा के, तो ये गठबंधन बरकरार रहे इस पर भी संशय है? देखिए, मैं इतनी जल्दबाजी नहीं करूंगा ये कि रणनीति भी हो या फिर वो गठबंधन तोड़ने का, लोग मायावती को जानते हैं, अगर गठबंधन उन्हें तोड़ना ही हो। जी पंकज, किस दबाव की आप बात कर रहे हैं, जरा ये भी आप समझा दीजिए कि ये क्या दबाव हो सकता है, उसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, पहले तो बात ये थी कि मायावती प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी, गठबंधन की तरफ से ये कहा भी जा रहा था। ये बात तो अब खत्म हो गई है। अब 2022 में विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसमें मायावती हो सकता है ये चाहती हो कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनको आगे बढ़ाया जाए और अखिलेश यादव के पास कोई विकल्प बचता नहीं, वो साथ दे और समर्थन दे। अब एक और चीज पंकज, हम ये समझेंगे आपसे कि अब सपा का क्या रुख इस पर होगा, क्योंकि धन्यवाद सभा को संबोधित अखिलेश यादव कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा संकेत नहीं दिया है, वो अभी सामान्य है, लेकिन मायावती किस तरीके की तलखी, उधर से क्या रिएक्शन आ सकता है? आवाज मिल पा रही है आपको? पंकज, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो चलिए, एक बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है कि दबाव की भी रणनीति हो सकती है और इस गठबंधन को लेकर भविष्य में क्या फैसला होगा, हालांकि तो सपा बसपा मिलकर तय करेंगे, लेकिन मायावती का पहला रिएक्शन सामने आ गया है। मायावती ये जरूर कह रही हैं कि यादवों का जो वोट है वो उन्हें ट्रांसफर नहीं हुआ है। बीजेपी नेता अनूप अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। सर, गठबंधन को लेकर पहला बयान मायावती का सामने आया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस गठबंधन के बारे में हमारे नेताओं ने पहले ही कहा था कि जैसे रिजल्ट आएंगे मायावती जी और अखिलेश जी का गठबंधन चलेगा नहीं।
क्योंकि ये दोनों ही विरोधी पार्टियां रही हैं, एक दूसरे के विरोध में हमेशा चुनाव लड़ी हैं, और इस चुनाव में भी देखा गया है कि नेता तो वो आपस में मिल गए लेकिन नीचे के लेवल में इनके वोटर, वो जो वोट बैंक था और जो इनके कार्यकर्ता थे वो नहीं मिल पाए, और ये अपने अपने स्वार्थों में इकट्ठा हुए थे, अब इनका स्वार्थ पूरा नहीं हो पा रहा है तो ये अलग हो जाएंगे। इनके जनता के हित में इन्होंने, ठीक है आलोक जी, लगातार आप तो ये कहते भी आए थे और अब ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्पीच, एक और बड़ी खबर मिल रही है, उपचुनाव में मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, 11 सीटों पर उपचुनाव होना है और मायावती उपचुनाव में अकेले चुनाव लड़ेंगी, यानी गठबंधन में नहीं जाएंगी, सपा बसपा का गठबंधन नहीं होगा, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और इस वक्त हमारे साथ डिप्टी एडिटर रोहित सावल जुड़ गए फोन लाइन पर। रोहित, एक बहुत बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि मायावती उपचुनाव में अकेले जाएंगी, सपा का साथ नहीं चाहिए उनको। बिल्कुल प्राची, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो बैठक थी, इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि बीएसपी सुप्रीमो ने इस बात के सीधे से संकेत दिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 11 सीटों पे जो उपचुनाव होने उत्तर प्रदेश में, बीएसपी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। और मैं आपको ये भी बता दूं, लेकिन देखिए एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ बैठक में ये भी कहा गया, मायावती ये कहती है बैठक में कि हमें सपा का, कि सपा अपना बूथ, सपा को अपना बेस वोट बैंक नहीं मिला। माया का कहना है कि अगर बेस वोट बैंक मिलता तो परिवार की सीटें नहीं हारते, और साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि बैठक में माया ने ये भी कहा कि अगर सपा अपना बेस वोट बैंक वापस पाने में सफल होती है तो यह गठबंधन जारी रहेगा, नहीं तो इस पर गठबंधन तोड़ने पर विचार किया जाएगा। ये बड़ी बात है, मायावती का कहना है कि अगर बेस वोट बैंक वापस नहीं आता है तो गठबंधन आगे जारी रखना है नहीं रखना है, इस पर विचार होगा। और दूसरी तरफ ये खबर भी आ रही है सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर कि जो 11 सीटों पर उपचुनाव होना है वो बीएसपी अकेले लड़ेगी। तो अब ये देखिए बड़ी अजीब स्थिति यहां पर है, यानी सीधे तौर पर ये बात तो बिल्कुल साफ है कि गठबंधन के जो टूटने के संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं। अब इसे ये कहा जाए, जिस तरह की दोनों बातें सामने आ रही है, एक तरफ ये कि 11 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा, अगर 11 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी तो जाहिर सी बात है गठबंधन टूटेगा ही, वहीं दूसरी तरफ माया का ये कहना कि सपा अपना बेस वोट बैंक सपा को अपना नहीं मिला, मुसलमानों ने हमारा साथ दिया, अगर सपा को उसका बेस वोट बैंक मिलता तो परिवार की सीटें नहीं हारती, तो इस लिहाज से भी गठबंधन संकट में है। ऐसे में कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कुछ बस एक औपचारिकता ही बाकी रह गई है, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है वो यही है कि 11 सीटों पर जो उपचुनाव होना है वो उपचुनाव बीएसपी अकेले लड़ सकती है, और अगर ऐसा होता तो सीधी सी बात है कि गठबंधन टूटेगा ही। और इस तरह की अटकलें बड़े लंबे अरसे से लग रही थी, हालांकि जब जो बैठक हुई इस बैठक में ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ा मायावती ने शुरुआत में कि हाँ ईवीएम में तमाम तरह की दिक्कतें हुई, ये तमाम बातें कही गई, और उसके बाद जब जिक्र आया समाजवादी पार्टी के साथ का तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया गया, ये कहा गया कि सपा अपना बेस वोट बैंक खो चुकी है, अगर बेस वोट बैंक समाजवादी पार्टी को मिलता, यादव वोट समाजवादी पार्टी को मिलता तो परिवार की सीटें कभी नहीं हारती। मायावती का कहना है कि हमारा जो बेस वोट बैंक है वो हमारे साथ रहा, बसपा का बेस वोट बैंक उसके साथ रहा, मुसलमानों ने साथ दिया, लेकिन जो सपा का बेस वोट बैंक है वो ना समाजवादी पार्टी को मिला, यानी ना जाहिर से तौर पर गठबंधन के उम्मीदवारों को नहीं मिला, ये अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरी तरफ ये बात कि 11 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं बीएसपी अकेले लड़ेगी, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो सीधी बात फिर तो ये कहा जाए कि कुछ औपचारिकता ही बाकी रह गई है, क्योंकि इसमें कोई और बहुत ज्यादा स्थिति नहीं बचती है। अच्छा रोहित, मायावती का अक्सर ये रुख देखा भी गया है, जब जब वो गठबंधन में होती है और नुकसान होता है तो वो सीधा ठीकरा दूसरे पार्टी पर फोड़ देती हैं, और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन यह दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जैसा आप भी हमें बता रहे हैं कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि बेस वोट बैंक नहीं मिला, और वापस अगर सपा बेस वोट बैंक पाती है तो फिर इस पर विचार किया जाएगा, इससे क्या समझा जाए, क्या किसी प्रकार का कोई दबाव बनाने की कोशिश? देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर हम राजनीति की बात करें, प्रदेश की राजनीति की बात करें या देश की राजनीति की बात करें, तो मायावती एक बहुत जबरदस्त ढंग से नेगोशिएशन करती हैं। आप देखिए जब गठबंधन होना था तो सीट लेने की, सीट शेयरिंग की बात थी, उसमें भी जबरदस्त नेगोशिएशन की, अखिलेश यादव को झुकना पड़ा। तो अगर दबाव की बनाने की बात है तो जाहिर सी बात है कि भूमिका आज पटकथा लिख दी गई है, सीधे तौर पर एक कहा जाए कि जिसे शुरुआती भूमिका बनाने की बात की कि एक बैठक हुई, इस बैठक में तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष थे बीएसपी के वो मौजूद रहे, इसके अलावा जो विधायक और सांसद है वो मौजूद रहे, उस मायावती जो हवाला देंगी या दे रही है कि देश भर से हमें ये फीडबैक मिला है, प्रदेश भर से ये फीडबैक मिला है, जो कोऑर्डिनेटर बसपा के हैं उन कोऑर्डिनेटर ने ये फीडबैक दिया है और उसके आधार पर ये आम राय बनी है। तो और इस बात का नशा, ये कोई नई बात नहीं, इस बात का नशा हम काफी लंबे अरसे से
जाहिर कर रहे थे कि बिल्कुल इसका अंदेशा जाहिर किया जा रहा था और कुछ ऐसा होता हुआ भी नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, इसके मायने समझाने के लिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी जुड़ गए फोन लाइन पर। मनीष जी बहुत स्वागत है आपका। असर जो भविष्यवाणी आप कर रहे थे लगातार इस गठबंधन को लेकर, वो सच साबित होती हुई नजर आ रही है? देखिए, जिस दिन गठबंधन हुआ था उस दिन ही हम लोगों ने इस बात को कहा था कि चूंकि किसी नीति और नियत इनकी स्पष्ट नहीं थी, स्वार्थ का गठबंधन था, अपने अपनी कुर्सी को बचाने का, अपनी दरकती जमीन को बचाने के लिए इन्होंने गठबंधन किया था, तो उसका परिणाम तो यही होना था जो दिखाई पड़ रहा है। फिर 2022 में चुनाव जो होगा विधानसभा का होगा, उस समय भी हम लोगों ने इस विषय को उठाया था कि आज तो दोनों लोगों को पता था उस समय जब गठबंधन कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला, केंद्र सरकार का होने वाला है, प्रधानमंत्री न अखिलेश बनने जा रहे थे न मायावती बनने जा रही थी, इसलिए गठबंधन संभव है। लेकिन जब प्रदेश का होगा तो प्रदेश में दोनों दलों का स्टेक रहेगा कि हम लड़ाई में आगे रहे, तो निश्चित रूप से स्वार्थ पे आधारित गठबंधन का हमेशा यही हाल होता है। हम लोगों ने तो कहा था कि 23 तारीख को क्या बोलना है ये अभी से लिख ले, बीत गई अब लिखा जा रहा है जो। चलिए ठीक है मनीष जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो भाजपा शुरू से ही भविष्यवाणी कर रही थी और अब मायावती ने संकेत दे दिए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि 11 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी।